हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अपने कुकिंग चैनल गुड आइडिया गुड वर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखो दोस्तों, मैं आज बचे हुए चावल का मैं क्या क्या बना रही हूँ। ये मेरे 2 दिन पहले का चावल है बचा हुआ, जिसे मैंने बिल्कुल पानी इसका मैंने सारा निकाल लिया है, छन्नी में डाल दिया, पानी में डुबो दिया था उस चावल को। और उसके बाद 2 दिन के बाद इसे छन्नी में मैंने छान लिया सारा पानी। अब इसे मैं क्या क्या बना रही हूँ देखो दोस्तों। ये मेरे पानी गर्म हो रहे हैं, नमक डाला हुआ है, और ये मैंने इसमें पहले भी चावल पीस लिया है, और इसमें मैं थोड़ी गोलकी और जीरा गोटा डाला है, और इसमें मैं इस चावल को डालकर मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। ओके, आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सब ने क्या क्या लंच में बनाया है मुझे बताना दोस्तों, और आप भी बचे हुए चावल से क्या क्या बनाते हैं। देखो दोस्तों, मैंने ये उसी चावल का पहले मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है, और ये मेरे गरम पानी, नमक और गरम पानी मैंने चढ़ाया है, और इस ये मेरे बैगन है, जिसे मैं इस गरम पानी में, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, और गरम पानी में थोड़ी देर के लिए नरम होने के लिए, और नमक इसके अंदर अच्छे से ही हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए इसको। उसके बाद मैं इसका क्या बनाती हूँ दोस्तों, दिखाती हूँ। पहले मैं इस चावल को पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सी में। देखो दोस्तों, ये मैंने पेस्ट बना लिया है। बहुत ज्यादा आप इसको महीन भी मत करना, थोड़ी दरदरी ही रहने दोगे, ठीक है? ये अच्छे से डूब नहीं रही है, इसके ऊपर मैं कोई कुछ भी रख देती हूँ ताकि ये नीचे रहे पानी में। दबाने का कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने सारे पेस्ट को निकाल लिया, अब इसमें मैं थोड़ी सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाल दे रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार मैंने डाला है। अब ये सबको मैं मिक्स कर दूंगी। और ये देखो दोस्तों, मैंने ये मीठा सोडा भी सिर्फ उंगली में मैंने ये किया है, इससे ज्यादा मुझे नहीं डालनी है। और इस तरह से इसे पटकनी है, ठीक है? आवाज चेंज हो जाता है दोस्तों,
पटकने के बाद जब ये हल्की होगी तो इसका आवाज भी चेंज हो जाएगा। अब आपके बचे हुए चावल वेस्ट नहीं होंगे, आप उसे मैं अभी ये आइटम दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें एक और आइटम इससे बना रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कैसे मैं बनाती हूँ। उसको पकाना है, आप रख दीजिए यहीं पे। अब मैं इसे देखो एक मैंने थाली ले लिया और इसमें मैंने तेल से इसे ग्रीस कर लिया है और अब इसके अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल आप इस तरह से चावल की दो दिन में इस सूख जाएगी दोस्तों। मैं इसे धूप में रख दूंगी, उसके बाद इसे लंच में या चाय के साथ आप तलकर नमकीन का आप चाय के साथ आप नमकीन का मजे ले सकते हो दोस्तों। और दाल चावल लंच में भी आप इसे तल करके यूज कर सकते हो। अब थोड़ी मैं इसमें से इस पेस्ट को बचा लूंगी और उससे मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ दोस्तों। आप सब मेरे चैनल को दोस्तों शेयर करो, लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी अपनी बड़ी उत्साह से वीडियो को बनाती हूँ और आगे भी इसी तरह से आप सबके लिए मैं वीडियो बनाती रहूँ। अगर एक थाली पूरी भर गई दोस्तों तो आप दूसरे बर्तन में, अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप दूसरे बर्तन में फिर इसी तरह से ग्रीस करके तेल से थाली को आप उसमें बना सकते हो। देखो दोस्तों अब ये अब ये देखो दोस्तों नमक में मैंने बैंगन को नमक और गर्म पानी में सिर्फ थोड़ी नरम होने के लिए ही मैंने इसको डाल रखा था। अब ये बचे हुए चावल में पहले मैं फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा देती हूँ, एक गर्म होगी, उसके बाद मैं बाकी मैं ये देखो दो से तीन चार चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया।
लहसुन और सूखी लाल मिर्च है जिसको मैंने पीस कर रखा था। अब ये सबको मैं एक साथ मिक्स करूंगी। इसको इसको बिल्कुल गाढ़ी रखना है। थोड़ी मैंने इसमें पानी मिलाया। अब इसके पेस्ट को देखो दोस्तों, इस तरह से इस पेस्ट को बनाना है। सबको घोल लिया। अब मैं इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर डालूंगी ताकि बैंगन भाजी देखने में अच्छी लगी और स्वाद भी इसका अच्छा है। और थोड़ी हींग मैंने ऐड किया। अब ये मेरे पैन गर्म हो गया दोस्तों। अब मैं इसमें थोड़ी तेल ऐड करती हूँ। बाकी मैं बैंगन डालने के बाद इसको बाकी तेल जरूरत तो मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इस बैगन को मैंने इसमें अच्छे से कोटिंग कर दिया है। देखो अब इस लो फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसे मैं इस पैन में डाल दूंगी और अगर आप कोटिंग अच्छे से एक तरफ नहीं होती तो एक तरफ तो अच्छे से कोटिंग कर लो, उसके बाद आप पैन में डालने के बाद ऊपर से कोटिंग कर लो। मैं कोशिश करती हूँ ये चार पीस मेरे बैंगन की भाजी एक साथ ही फ्राई कर लूँ। मैंने इसे भी ऐड कर दिया। एक पीस बची हुई है, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। अब ये बाकी जो बचे हुए हैं उसको मैं ऊपर से पेस्ट जो बची हुई है उसको मैं ऊपर से कोटिंग कर देती हूँ। ये बहुत ही कुरकुरी टेस्टी और मेरे बचे हुए चावल के एक नई रेसिपी बन गई दोस्तों। आप सभी बचे हुए चावल से, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी बड़ी प्लेट से ढकनी होगी।
इससे मैं पूरी तरह से मुझे इसे ढकनी है, तो इससे बड़ी ही किसी प्लेट से मैंने ढक दिया और लो फ्लेम पे पकने दूंगी। जब एक तरफ अच्छी ब्राउन हो जाएगी तो दूसरी तरफ पलटकर भी उसको भी अगर पक गई हो अच्छे से तो आप फ्लेम को बढ़ा देना, और अगर नहीं पकी हो तो उसे भी दूसरी तरफ भी लो फ्लेम पे ही पकाना है। और आप इसे लंच में दाल चावल के साथ रोटी के साथ भी खाएं, और मुझे बताएं दोस्तों कि हाँ ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी बचे हुए चावल की। और आप सब मेरे चैनल गुड आइडिया गुड वर्क सुनीता देवी कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। ओके बाय।